नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। सिंपल टर्म्स में आज का विषय जो हमारा है वो है वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है। आप लोगों को पता है, बड़ा ही इजी टर्म है कि हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड होते क्या हैं। कई बार हम बॉटल लेके आते हैं तो उस पर वीडिसाइड लिखा रहता है, किसी बॉटल पर हर्बिसाइड लिखा रहता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वीडिसाइड नाम से संबंध है, वीडिसाइड मतलब वीड को मारने वाली दवाई वीडिसाइड कहलाती है। तो जितने भी हमारे खेत में खरपतवार नाशक होते हैं उनको जो किल करेगी वो हमारे वीडिसाइड रहेंगे। लेकिन हर्बिसाइड्स में थोड़ा सा कॉमन सेंस ये है कि हर्बिसाइड्स कोई सिलेक्शन नहीं करते हैं। हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्लाइफोसेट की, तो ग्लाइफोसेट को आप जिसके ऊपर भी स्प्रे करोगे वो चाहे खरपतवार हो चाहे पौधा हो, सबको मारने का काम करेगा। तो ये से केमिकल जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं वो हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इनका हमको यूज़ कैसे करना चाहिए। तो तीन तरह से हम एप्लीकेशन हर्बिसाइड्स का करते हैं खेतों में। पहला जो है वो PPI है, दूसरा जो है वो PE है, और तीसरा जो है वो POE है। तीनों में डिफरेंस क्या है, तो PPI का फुल फॉर्म जो है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, PE का मतलब क्या होता है प्री इमरजेंस है, और तीसरा जो है POE मतलब पोस्ट इमरजेंस। इन तीनों का मतलब ये हुआ है कि फसल की बुआई के पहले जब हम खेत में वीडिसाइड देते हैं तो वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कहलाते हैं। तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का जो एग्जांपल है वो है फ्लुक्लोरेलिन जैसे, एलाक्लोरोलासो जैसे जो हमारे हर्बिसाइड्स होते हैं, इनको हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन देते हैं जो कि बुआई के 1 से 2 दिन पहले हम देते हैं। कई कई लोग पेंडामेथिलिन भी स्प्रे करते हैं। इसके बाद प्री इमरजेंस की बात क्या हुई है, प्री इमरजेंस का मतलब यह है कि हमने फसल को बुआई कर दी है, मतलब बुआई तो हमने फसल कर दी लेकिन अभी बीज उगा नहीं है, लेकिन हर्बिसाइड्स का जर्मिनेशन हो जाता है। तो जब हर्बिसाइड्स का जर्मिनेशन हो जाता है तो इनको मारने के लिए हम प्री इमरजेंस का यूज़ करते हैं, मतलब 3 से 4 दिन की बुआई के बाद में हम प्री इमरजेंस का स्प्रे करवाते हैं। तो प्री इमरजेंस का मतलब इसमें पेंडामेथिलिन का हम यूज़ करवाते हैं, कई फसल के अनुसार तो पेंडामेथिलिन भी लोग डालते हैं, अगर मेज है तो एट्राजिन सिमाजिन डालते हैं। आगे की जो बात है वो है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस हमेशा 25 से 35 दिन की फसल हो जाती है, मतलब खड़ी फसल में जब हम स्प्रे करते हैं हर्बिसाइड्स का या वीडिसाइड्स का, चूँकि हर्बिसाइड्स तो हम करेंगे नहीं तो वीडिसाइड का हम यूज़ करेंगे, तो वो जो हमारे कहलाएंगे वो हमारे कहलाएंगे पोस्ट इमरजेंस स्प्रे। इसका उदाहरण क्या होगा, तो 2,4-D हम लेते हैं, 2,4-D का उपयोग करते हैं, कोएजिलिफाइव इथाइल जिसे टर्गा सुपर कहते हैं इसका भी उपयोग हम करते हैं। आगे जो हम टब में बात करते हैं, 2 प्रकार के हर्बिसाइड्स या स्पेशली वीडिसाइड्स होते हैं, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। तो देखिए कॉमन सेंस में नॉन सेलेक्टिव का हम अगर उदाहरण पढ़ते हैं, नॉन सेलेक्टिव में किसी भी पौधे को मार दे जिसके ऊपर ये जाएंगे उनको सबको नष्ट कर देंगे। तो इनका एग्जांपल क्या होगा, इनका एग्जांपल है डाइकोइट पैराकोइट और ग्लाइफोसेट, ये 3 तरह के हर्बिसाइड्स बहुत प्रचलित है। इसके अगर हम आगे बात करते हैं तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स वो हर्बिसाइड्स होते हैं जो किसी सेलेक्टिव खरपतवार को ही मारते हैं। 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार, और एक होती है सेजेस। सेजेस में आते हैं मोथा जैसे, जो ग्रास नहीं है मोथा, इन दोनों में डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। अब हम कहाँ आते हैं, तो हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स के उदाहरण की हम बात कर रहे हैं। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में 2,4-D जो है, 2,4-D का उपयोग हम चौड़ी पत्तियों को मारने के लिए करते हैं। आजकल सल्फोसल्फ्यूरान का भी यूज़ हो रहा है, इसके स्वाइद हमारे डेलापॉन है, यूरिया के कुछ पार्ट्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो पेंडामेथिलिन जो है ये भी हमारे सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं, डेपाम है ये भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं। तो इस तरह से हम हर्बिसाइड्स के बारे में और वीडिसाइड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडिसाइड्स क्या होते हैं, वीड क्या होते हैं, वीड वो होते हैं जो अनवांटेड पौधे होते हैं और फसल के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट और इनके साथ कंपटीशन करते हैं और क्रॉप की यील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमारे वीड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा वीड हर्बिसाइड्स का उपयोग टी पर किया जाता है। भारत में सबसे पहले हर्बिसाइड का उपयोग जो हुआ था वो गेहूँ की फसल में 1950 में हुआ था और यह 2,4-D था। तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर हम वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और साथ में शेयर किसानों के बीच में और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।